एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज फ्राइडे की सुबह, बिल्कुल हैप्पी फ्राइडे, जुमा मुबारक आप सभी को। और साथ ही साथ जो रमजान है वो शुरू हो चुके हैं, तो आप सभी को जो रमजान का ये पवित्र महीना, रमजान का एक पाक महीना है कि होली मंथ जो है वो स्टार्ट हो गया है और आज पहला रोजा है, शुरुआत हो गई। तो आप सभी को सबसे पहले तो इस जो पाक महीने की बहुत बहुत मुबारकबाद। बस इसी तरह से हमारे जो आगे के दिन भी बढ़िया चलते रहे। और साथ ही साथ जो है, मैं इसलिए आपके लिए सुबह सुबह अपडेट्स लाता हूँ और कुछ इन्फॉर्मेशन लाता हूँ। आप प्लीज़ अपने लोगों तक शेयर कीजिए और चेहरे हमेशा अपने खुश रखिए और स्माइल रखिए। और यहीं पर आज हम बात करेंगे कुछ पॉइंट्स को लेकर के, रोज़ की तरह, जैसे कि KYC को लेकर के लोग कन्फ्यूज़ है बिना वजह के। साथ ही साथ आपकी क्या क्या जिम्मेदारियाँ हैं, और साथ ही इसके अलावा ओ ब्लेस को लेकर के कुछ चीज़ें हम शेयर करेंगे। और अपने मोबाइल को किस तरह से अपडेट आपको रखना है, और इसके अलावा जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट वो है पैकेजेस को लेकर के। तो बिल्कुल वीडियो में लास्ट तक बने रखिए। और सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि भाई देखिए, KYC को लेकर के आप बिना वजह के कंफ्यूज्ड मत होइए। मतलब अभी क्या हो रहा है, लोग KYC जो हो रहा है तो उसमें कई लोग बिना वजह के, यार हमारा उसमें ये नहीं है, नाम में ये है, इसमें ये प्रॉब्लम है, उसमें ये है। ये जो प्रोसेस है ये टोटली आपको बता दे, बहुत ही ईजी प्रोसेस होती है। और कंपनी जो ऑन पैसे है ऑलरेडी हमारे लिए कहीं ना कहीं पूरी तरह से तैयारी कर चुकी है। तो ये वेरिफिकेशन जो होता है KYC वगैरह का, तो उसको टेंशन में बिल्कुल लेकर के आप मत करिए, मैं कैसे कर पाऊंगा, कैसे होगी। सिंपली आजकल बहुत ही ईजी चीजें हो गई हैं। आजकल जो KYC होती है उसका प्रोसेस बड़ा ईजी हो गया है। डॉक्यूमेंटेशन आपको फिजिकल कुछ भी नहीं होता है, सारा डिजिटल तौर पे हो जाता है। तो KYC जब भी आएगी फ्यूचर में, जो अपडेट आएंगी ऑन पैसिव की, उसमें आसानी से आप KYC वगैरह कर पाएंगे। तो आप बिना वजह के माइंड में लोड मत लीजिए कि यार ऐसा होगा, ऐसा तो नहीं हो गया, ऐसा हो गया, तो इस बात का टेंशन मत लो। बिल्कुल बेफिक्र होकर आराम से आप चैन की नींद सोया करिए, बिना वजह की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब भी KYC की प्रोसेस आएगी तो आप उसे देख लेंगे और डेफिनेटली ये बहुत ही ईजी होने वाला है। दूसरी चीज ये है कि आपकी खुद की जिम्मेदारी, जी हाँ, कई वेबिनार पहले इसे बताया भी गया था, कई बार बताया गया, और लास्ट जो हमारा 8 बजे का वेबिनार होता है उसमें भी कुशविंदर सर ने बहुत अच्छी ये बात भी बताई थी कि आपकी खुद की जिम्मेदारी है, आपकी खुद की ईमेल आईडी, आपके खुद के ओमेल, आपका जो OES का अकाउंट है, जो आपकी खुद की जिम्मेदारी है। लगातार इस पर वीडियो बनाए गए हमारे लीडर से, मैंने भी कई वीडियो बनाए हैं कि भाई प्लीज जो है आप खुद अपनी जिम्मेदारी लीजिए। आप ठीक है, आप जिसको भी आपका ब्लेजर है आप उसको अपना पासवर्ड वगैरह दे रखा है, दैट्स वेरी गुड, कोई बात नहीं, क्योंकि आप इस पे फेथ करते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे हैं कि जो बिल्कुल उस लायक नहीं होते, आपको बताते, देखिए आपके अकाउंट की डिटेल्स कभी भी किसी को नहीं देख, चाहे वो कोई भी हो, राइट। तो आपके लिए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने अकाउंट को कितना सिक्योर, कितना सुरक्षित रख सकते हैं। उसके कल को अगर कुछ भी ट्रांजेक्शन वगैरह होते हैं तो उसमें आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका ईमेल आईडी, उस पर जो भी जाना है, पासवर्ड वगैरह, ओमेल फ्यूचर में हो सकता है उस पर आपका पासवर्ड जाना है या फिर OTP जाना है। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है किसी और तक नहीं हो तो ही बेहतर है, कि आपकी खुद की वो जिम्मेदारी है। अगर आपका आपका ईमेल आईडी, ओमेल आईडी है तो उसका पासवर्ड अपने पास ही रखें, फ्यूचर में जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो इसका बहुत वैल्यू होगा। OES का पासवर्ड वगैरह सब आप अपने आप से सुरक्षित रखें, कि कल को कुछ भी हो जाता है तो उसके लिए आप किसी भी लीडर को, किसी भी बंदे को, किसी को भी फोन करके ये मत बोलना कि ये ऐसा ऐसा हो गया, आपकी खुद की गलती की वजह से हुआ है, तो इसके रिस्पॉन्सिबल भाई आप ही होंगे। और एक चीज है जो OBLESS के बारे में बोला जाता है, कि देखिए OBLESS जो है ये कोई मतलब ऐसा नहीं कि डोनेशन का प्लेटफॉर्म है, यह है, इसमें कई बार वेबिनार में मिस्टर एश ने भी ये बात बताई है कि ये आप कभी भी किसी को जो है दान या डोनेशन करके वो नहीं, बल्कि उसे कैसे फिश पकड़ना है। मतलब उन्होंने जो एग्जांपल बार-बार बताते हैं कि हर किसी को यहां पे रोजगार देने की कोशिश करें, मतलब उसे बोल सकते ना कि आप किसी को डोनेशन या ये कर देते तो आलसी हो जाता है, सोचता है हर बार दान आएगा, लेकिन उससे बेहतर यह है कि लोगों को आप फिश पकड़ना सिखा दें। मतलब ये नहीं कि डायरेक्ट मछली खाना, आप उसको फिश पकड़ना सिखा देंगे, वो खुद सीख जाएगा तो खुद ही सारे काम करने लग जाएगा, और वो जो है अपने आप अपना जब काम करेगा तो खुद ही अपने दम पे पैसा कमाने लग जाएगा। तो OBLESS जो है वो किसी तरह का बोल सकते हैं कि डोनेशन का प्लेटफॉर्म नहीं है, कि भाई दान पुण्य करना है, यहाँ पे किस तरह से लोगों तक सही मैसेज जाना है, लोगों तक कैसे रोजगार पहुंचाना है, किसी को हेल्प कैसे करनी है कि वो आगे खुद की हेल्प कर सके, इस टाइप से कुछ उसमें है। तो बिल्कुल ये चीज का ध्यान रखिए कि OBLESS किसी भी तरह का डोनेशन वगैरह का ये प्लेटफॉर्म नहीं, कि बस आए और डोनेट कर दिया, जस्ट सिंपली किसी को हेल्प करके उसे रोजगार देना और सही जो है सही दिशा में उसको ले जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और एक चीज और है यहाँ पे कि जो हमारा सब्सक्रिप्शन बोल सकते हैं या पैकेजेस को लेकर के थोड़े से लोग घबराए हुए थे कि यार इतने ज्यादा होगा, ये होगा, तो अपने अपने प्रेडिक्शन लगाए इतने डॉलर होगा या ये होगा। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बात तो तय है कि जो भी होना है वो इतना बढ़िया रहेगा, अफोर्डेबल रहेगा, मतलब आप आसानी से जो है फ्यूचर में जो हमारे पैकेज आएंगे उसको बाय कर सकते हैं। तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं कि बहुत ज्यादा ये
ये होगा। और इसमें एक चीज और है कि देखिए फर्स्ट पैकेज जो है, चाहे वो कोई भी बंदा हो, वो ऑन पैसिव में सबसे पहले आया हो या बाद में आया हो, क्या कभी भी आया हो, कोई से भी सन में आया हो, कोई सी भी डेट में आया हो, वो मैटर नहीं करता है। इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि पहला पैकेज है वो सभी को लेना ही लेना है, वो बाय करना ही है, वो कितने डॉलर का होगा आने वाली अपडेट्स में आपको दिख जाएगा, राइट। तो पैकेज को लेकर के आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। उसके बाद में जो पैकेज आएंगे प्रोडक्ट्स को लेकर के, उसमें क्या क्राइटेरिया आता है ये तो आने वाली अपडेट्स में भी हमको जो है डेफिनेटली पता चलने वाला है। तो सब्सक्रिप्शन बिल्कुल आसानी से हो पाएंगे और इतने ज्यादा भी नहीं होंगे, आप आसानी से वो ले सकते हैं जो नेक्स्ट पैकेजेस होंगे या सब्सक्रिप्शन होंगे। और अगला जो आएगा पहले पैकेज के बाद दूसरा, वो कब होगा, क्या होगा, ये कंपलसरी होगा या नहीं, ये तो अपडेट्स में ही हमें पता चलने वाला है। तो फर्स्ट वाला जो भी सब्सक्रिप्शन होगा, पैकेज होगा, वो आप जो है ले सकते हैं, आसानी से ले सकते हैं। एक चीज और बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है कि मोबाइल जो है आपका, उसको लगातार अपडेट करते रहिए, खासकर जो मोबाइल यूजर है। देखिए यहां पे होता क्या है कि हमारे बहुत सारे जो वेबिनार्स होते हैं, जब भी वो कनेक्ट पर, तो लोग प्रॉपर अटेंड नहीं कर पाते हैं, वो इंटर नहीं कर पाते हैं। उसके सबसे बड़ा कई रीजन है, मैंने देखा है, चेक किया है, वो ये है कि भाई हिस्ट्री, कई बार ब्राउजिंग हिस्ट्री आप डिलीट नहीं करते हो, इस वजह से बहुत दिक्कत आती है, आप इंटर नहीं कर पाते हैं। एक ही ब्राउजर पे बार 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 खोलते हैं तो हिस्ट्री इतनी सारी हो जाती है, उसको डिलीट नहीं करते हैं, ये दिक्कत इसीलिए आती है। और एक चीज और है कि बराबर जो है आप रीसेट कर लिया करिए सारे जो भी उसमें डाटा है, उसको अपने कंप्यूटर लैपटॉप में डाल के, और उसके बाद में जो है बाकी का जो चीजें एक बार आप रीसेट करा लीजिए। आपका अगर पुराना मोबाइल है तो उस पर रीसेट करा के एकदम फ्रेश कर लीजिए, क्योंकि जब भी हमारा वेबिनार मीटिंग होता है तो आप आसानी से फिर उसमें जो एंटर कर पाएंगे और आपको जो है लॉगिन करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो ब्राउजिंग हिस्ट्री वगैरह जो है उसको डिलीट करके और बिल्कुल फ्रेश मोबाइल को रखिए हमेशा, तो आपको फ्यूचर में कभी भी जो है दिक्कत आने वाली नहीं है। तो अपने मोबाइल को भी लगातार जो है आप अपडेट करते रहिए, लैपटॉप वगैरह में अगर आप यूज करते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि उसमें ही जो है वो कनेक्ट का मजा आता है, राइट। लेकिन अगर मोबाइल यूजर है तो डोंट वरी, आप इतना भी पुराना मोबाइल हो उसको जो है आप अपडेट करके रखिए, बिल्कुल रिफ्रेश करके रखिए। तो बस ये छोटे छोटे पॉइंट में आपके लिए रोज लाता हूं ताकि आपका दिन बन जाए और आपका दिन हमेशा फ्रेश रहे।